हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आप 45 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर लेने के लिए सोच रहे हैं तो आज के इस वीडियो में ऐसे शानदार ट्रैक्टर का रिव्यू लेके आए हैं कि आपको भी देख के मजा आ जाएगा। जॉन डियर कंपनी का ट्रैक्टर है। नाम के बारे में बात कर लेते तो 5045D ट्रैक्टर है, जो आपको 45 एचपी कैटेगरी में और 3 सिलेंडर के साथ ही ट्रैक्टर मिलने वाला है। तो फुल डिटेल में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि इसमें क्या कुछ माइलेज मिलेगा, माइलेज के साथ साथ इसकी प्राइस क्या होने वाली है, ऐसी सारी जानकारियां देने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले किसान भाइयों, इसकी लुक के बारे में बात करें तो जॉन डियर कंपनी का काफ़ी शानदार लुक के साथ ये ट्रैक्टर आता है। कलर के बारे में बात करें तो मेटलिक कलर दिया गया है इसमें, जो कि सालों साल कलर चलता है। इसमें कलर उड़ने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। और जॉन डियर के जितने भी ट्रैक्टर आते हैं हरे ही आते हैं कलर में, तो काफ़ी शानदार ये ट्रैक्टर आता है। बाकी इसका बम्पर देख लीजिए आप, इसमें कंपनी फिटेड बम्पर मिलने वाला है। किसान भाइयों, वेट के साथ इसमें बम्पर मिलने वाला है। इसका जो वजन होगा वो लगभग 70 से 80 केजी के आसपास होने वाला है, क्योंकि वेट इसके लिए लगाया जाता है कि अगर आप ट्राली वगैरह में ट्रैक्टर को चलाते हैं या आप रोड पर ट्राली में ट्रैक्टर को यूज करते हैं, घाट वगैरह में ट्राली को यूज करते हैं, तो क्या होता है कि जब भारी से भारी लोड वाली ट्राली चलाते हैं या ओवरलोड वाली आप ट्राली चलाते हैं तो आपका ट्रैक्टर जो है आगे से उठने लगता है। तो इसलिए इसमें बेट पट्टी लगाई जाती है, बेट लगाया जाता है जिससे आपका ट्रैक्टर जो है कि आगे से बिल्कुल भी ना उठे और एक ज़्यादा ताकत लगा सके तो आसानी से घाट वगैरह पर आपका ट्रैक्टर चढ़ सके। और टायर साइज की बात करें तो ये ट्रैक्टर मैंने बता ही दिया है कि 45 एचपी में ये ट्रैक्टर मिलने वाला है। इसमें जो टायर दिए गए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टायरों का साइज, 6/16 के इसमें बड़े वाले टायर मिलने वाले, यानी कि जो 45 एचपी कैटेगरी के लिए सबसे बेस्ट टायर माने जाते हैं वो टायर इनमें मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें पावर स्टेयरिंग मिल जाती है, जो आपको सिंगल सिलेंडर एक्टिंग के साथ पावर स्टेयरिंग देखने के लिए मिलती है। नीचे इसमें यहाँ पर एक बैलेंसिंग रॉड लगाई गई है जो एक टायर से दूसरे टायर तक ढकेलती है। किसान भाइयों, बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसमें सेफ्टी गार्ड लगाए गए हैं, जो इंजन से हानिकारक हवाएं होती हैं वो ड्राइवर तक ना पहुँचे, इसलिए यहाँ पर सेफ्टी गार्ड लगाए गए हैं, क्योंकि वो जो हवाएं होती हैं इंजन के द्वारा गर्म हवाएं निकलती हैं वो किसान भाइयों की बॉडी पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालती हैं, इसलिए इसमें गार्ड वगैरह लगाए गए हैं। तो इनके ब्रेकों की बात करें तो इसमें मल्टी डिस्क ब्रेक ऑयल में डूबे हुए एमर सीट ब्रेक मिलने वाले हैं, जिनकी जो गारंटी रहती है वो सालों साल रहती है, जो लाइफ भी रहती है वो भी सालों साल रहती है। इनकी बहुत ही अच्छी लाइफ रहती है, लाइफ के साथ साथ इनमें खर्चा भी 0% का रहता है, किसी भी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस खर्चा जल्दी नहीं आता है। अब यहाँ से भी देख लीजिए आप, इस साइड से आइए तो यहाँ पर देखें, इसमें पंप के बारे में बात कर लेते हैं किसान भाइयों। तो इसमें बॉस कंपनी का पंप मिलने वाला है, जो कि आपने देखा है सभी ट्रैक्टरों में बॉस कंपनी का पंप आता है, वही पंप इस ट्रैक्टर में भी मिलने वाला है, जो आपको 3 सिलेंडर और 45 एचपी के साथ ये पंप मिलने वाला है। यहाँ पर इसमें वाटर सेपरेट फिल्टर मिल जाता है, आइंदा आपकी फ्यूल टैंक में कभी पानी वगैरह बनता है तो यहाँ पर वाटर सेपरेट फिल्टर दिया गया है सेफ्टी के लिए। और यहाँ पर देखिए, डबल इसमें डीजल फिल्टर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इस साइड भी आपको गार्ड वगैरह मिलेगा, क्योंकि जो हवाएं होती हैं दोनों साइड से जाती हैं, तो सेफ्टी के लिए इस साइड भी गार्ड दिया गया है। और जो क्लच पैटर्न देख रहे हैं, इसमें डबल और सिंगल दोनों पैटर्न मिल जाते हैं। जैसे आपको डबल भी क्लच चाहिए या सिंगल क्लच चाहिए, तो वो आपके ऊपर रहेगा कि आपको कौन से क्लच में ट्रैक्टर चाहिए, तो अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। बाकी आप इसका साइलेंसर का लुक भी देख लीजिए, काफ़ी शानदार लुक के साथ इसका साइलेंसर भी आता है। और यहाँ पर इसका प्लेटफार्म देखिए, कितना शानदार प्लेटफार्म दिया गया है। किसान भाइयों, आप ट्रैक्टर पर आसानी से चढ़ सकते हैं, इस प्रकार बैठ सकते हैं। तो किसान भाइयों, ट्रैक्टर पर बैठ गया हूँ मैं, तो देखिए काफ़ी शानदार लुक आता है। जो स्टेयरिंग है, काफ़ी लुकिंग के साथ स्टेयरिंग दी गई है, आप यहीं पर बैठे ही बैठे आराम से चला सकते हैं। 2-4 घंटे 10 घंटे जितने भी घंटे आपको ट्रैक्टर चलाना है पर डे, आप उतने घंटे तक ट्रैक्टर को आसानी से चला सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसका स्टेयरिंग और सीट का जो कॉम्बिनेशन किया है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया है। अब यहाँ पर दिखाइए, थोड़ी सीट भी दिखाइए, इसकी जो सीट है एडजस्टेबल सीट मिलने वाली है किसान भाइयों, क्योंकि जो किसान भाई छोटे होते हैं, कोई किसान भाई बड़े होते हैं हाइट में, तो वो अपने हिसाब से इस सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे उन्हें अपने हिसाब से लगे कि मुझे इतनी पर एडजस्ट करनी है तो इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आगे पीछे एडजस्टेबल दी गई है और इसमें बहुत ही कंफर्टेबल महसूस भी करोगे आप, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट सीट होने वाली है। और यहाँ पर देखिए, कितना अच्छा इसका प्लेटफार्म दिया गया, स्पेस के साथ इसमें प्लेटफार्म मिलने वाला है।
काफ़ी शानदार। और यहाँ पर इसमें प्लास्टिक की कवरिंग वगैरह भी दी गई है, जिससे आपके जो इंजन तक या इंजन की जो गरारियाँ वगैरह यहाँ से निकली हुई हैं, इसे कमर भी बोलते हैं, तो इसमें स्केच वगैरह ना आए। और यहाँ पर आप आसानी से पाँव रखे रहें तो आपके जो पाँव हैं उनमें गर्म हवाएँ भी नहीं आएंगी। अब बात कर लेते हैं इनके गियरों के बारे में। तो 8+4 गियर के साथ ही ट्रैक्टर मिलने वाला है। अब 8+4 गियर के साथ कैसे मिलने वाला है तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर दिखाइए, जो आपका राइट वाला लीवर है इसमें 4 गियर जाने वाले हैं, और जो आपका लेफ्ट वाला लीवर है यानी कि ये वाला लीवर है जो आपका लेफ्ट वाला, इसमें आपको ABR मतलब ए आपका रहेगा इसका हाई का और बी रहेगा इसका लो का, और जो आर दिया गया है ये रहेगा आपका रिवर्स का। तो 8+ इसमें 4 गियर मिलने वाले की यानी कि आप इसका रिवर्स गियर लगाएंगे इस तरह से तो आप अपने चारों गियर इसमें डाल सकते हैं। तो 8+4 गियर इसमें रिवर्स में मिलने वाले किसान भाइयों। बाकी आप यहां पर भी देखिए, यहां पर इसमें PTO के लिए गियर मिल जाता है, इसमें मल्टी रिवर्स PTO मिलने वाली है यानी कि फॉरवर्ड में PTO मिलेगी और रिवर्स में भी PTO मिलेगी, तो दोनों साइड आपको PTO भी मिलने वाली है। इसका जो मीटर दिया गया है किसान भाइयों, काफ़ी शानदार मीटर दिया गया है, और जो इसकी रेटेड RPM दी गई है वो भी काफ़ी शानदार दी गई है। 2100 रेटेड RPM पर इंजन पूरी तरह से आपका 45 HP निकाल के देगा। यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर मीटर वार पे देखिए तो ये वाली आपकी सुई RPM की दी गई है। यहाँ पर घंटे शो करेगा कि आपने कितने घंटे ट्रैक्टर को चला लिया है। यहाँ पर टेम्परेचर शो करेगा कि आपका ट्रैक्टर गर्म तो नहीं हो रहा, और यहाँ पर देखेंगे तो फ्यूल शो करेगा ये वाली सुई। और यहाँ पर देखिए, आप 12 वाट का कार का चार्जर भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल रखने के लिए यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, तो यहाँ पर अपना मोबाइल रख सकते हैं। और यहाँ पर इसमें इंडिकेटर के कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ से चलाएंगे तो आपके इंडिकेटर लेफ्ट राइट के जलने लगेंगे, और इस साइड इसमें लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से लाइट वगैरह जला सकते हैं। यहाँ पर हॉर्न दिया गया है, और यहाँ पर एक एक्सीलेटर कंट्रोल इसका हाथ में दिया गया है, एक एक्सीलेटर कंट्रोल इसका पाँव में भी दिया गया है। और हैंड ब्रेक के बारे में बात करें तो हैंड ब्रेक आपका यहाँ पर मिल जाता है, और एक गियर और मिल जाता है इसमें। आपने देखे होंगे ट्रैक्टर के कीचड़ वगैरह में फंस जाते हैं, तो इसमें बहुत ही अच्छा गियर दिया गया है। आप ट्रैक्टर को सीधे रखेंगे, बिल्कुल आगे की जो स्टेयरिंग है बिल्कुल सीधे रखेंगे, और एक्सीलेटर जैसे ही बढ़ाएंगे और ए वाला गियर आप दबाएंगे तो आपका ट्रैक्टर जो है कि उछलने लगेगा, तो उछलने से लगेगा तो आपका ट्रैक्टर आसानी से निकल जाएगा। यानी कि 4-व्हील ड्राइव की ताकत आपको 2-व्हील ड्राइव में मिलने लगी, कि जो आपके 4 चाकों में ताकत मिलती है वो आपको इन 2 चाकों में वो ताकत देखने के लिए मिल जाएगी, तो आपका जो ट्रैक्टर है कीचड़ से बाहर आसानी से निकल जाएगा। बाकी आप यहां पर देखेंगे तो बहुत ही शानदार इसके ड्राफ्ट और PC कंट्रोल दिए गए हैं, कल्टीवेटर के कंट्रोल। आपको सिर्फ एक बार इनको सेट करना है, जैसे आप जुताई वगैरह करते हैं तो एक बार सेट कर लीजिए कि मुझे इतनी मिट्टी के इतनी ज़मीन के इतनी अंदर तक कल्टीवेटर को ले जाना है, तो उतने पे सेट कर दीजिए एक बार। फिर बाकी आपको जैसे मोड़ते हैं आप कल्टीवेटर को, तो आप इसको नहीं छेड़िए, फिर आपका कल्टीवेटर उठाने धरने के लिए ये वाला पॉइंट दिया गया है। आप इसको ऐसे दबाएंगे तो आपका जो कल्टीवेटर है उठ जाएगा, और जैसे ही आप इसको ऐसे कर देंगे तो आपका जो कल्टीवेटर है ज़मीन के नीचे रख जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार फीचर्स मिल जाता है। अब मैं आपको पीछे साइड से भी दिखाता हूँ ट्रैक्टर को। तो सबसे पहले इसका पीछे का टायर देख लीजिए, तो इसमें 13-6-28 के बड़े वाले हैवी टायर मिलने वाले हैं किसान भाइयों। और यहाँ पर देखें पीछे की लुक के बारे में, तो किसान भाइयों इस ट्रैक्टर में आपको 1600 kg की लिफ्ट क्षमता मिलती है, यानी कि 16 क्विंटल की इसमें लिफ्ट क्षमता दी गई है, काफ़ी अच्छी लिफ्ट क्षमता मिल जाती है। और जो इसका फ्यूल टैंक यहाँ पर दिया गया है तो काफ़ी अच्छा फ्यूल टैंक दिया गया है, प्लास्टिक का फ्यूल टैंक दिया गया है। अब इसके क्या फ़ायदे हैं वो मैं बताता हूँ। आपका यहाँ पर फ्यूल टैंक दिया गया है, इसमें जंग कभी नहीं लगता है, क्योंकि चद्दर के जो फ्यूल टैंक आते हैं उनमें जंग वगैरह लग जाता है मिट्टी की वजह से, और जंग के साथ साथ आपका जो फ्यूल है वो ठंडा रहेगा, गर्म नहीं होगा, क्योंकि इंजन के जो बाहर रखा है फ्यूल टैंक, अदर कंपनियों के ट्रैक्टरों में देखा होगा तो वो आगे इंजन के पास फ्यूल टैंक रहता है, लेकिन इसमें पीछे है फ्यूल टैंक, तो इसमें आपका जो फ्यूल है वो ठंडा रहेगा हमेशा, गर्म नहीं होगा। उसकी वारंटी के बारे में बात करें तो इसमें काफ़ी शानदार आपको वारंटी भी मिल जाती है, 5 साल की इसमें वारंटी मिलने वाली है किसान भाइयों। और यहाँ पर देखिए इसमें टूल बॉक्स भी मिल जाता है। और जो इसकी हाउजिंग देख रहे हैं, आपने अदर कंपनियों के ट्रैक्टर देखे होंगे,
तो जो इनकी हाउसिंग रहती है बहुत पतली रहती है, लेकिन इसकी हाउसिंग देखिए कितनी मोटी हाउसिंग दी गई है इस ट्रैक्टर में, जो कि हैवी ड्यूटी हाउसिंग मिलने वाली है। यानी कि इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं से लूच पूच लगेगा कि पतला है सामान, काफ़ी हैवी ड्यूटी के साथ ही ट्रैक्टर लॉन्च किया गया कंपनी ने। और यहाँ पर इसमें डिस्ट्रीब्यूटर लगने के लिए यानी कि कपलर लगने के लिए ऑप्शन दिए गए, सिंगल ऑप्शन दिया गया है। अगर आप डबल भी लगवाना चाहते हैं तो बाहर से आप डबल भी लगवा सकते हैं, उसमें आपकी ऊपर वो इच्छा रहेगा। कंपनी द्वारा इसमें सिंगल ही मिलता है। यहाँ पर पीछे ट्राली वगैरह में लाइट ले जाने के लिए स्विच दिया गया है, यहाँ से आप पीछे लाइट वगैरह ले जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके माइलेज के बारे में और इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंजन के बारे में मैं बताऊँ तो इसमें आपको 3029 सीसी का ड्राई कूलेड इंजन मिलता है इसमें किसान भाइयों, जो काफ़ी शानदार इंजन माना जाता है ड्राई कूलेड इंजन। तो वही इंजन इस ट्रैक्टर में मिलने वाला है। बाकी आप देखिए इसमें डबल डबल पंप भी दिए गए हैं, यहाँ पर हाइड्रोलिक के लिए अलग पंप दिया गया है, पावर स्टेरिंग के लिए भी यहाँ पर देखिए अलग पंप दिया गया है, जो डबल डबल यहाँ पर पंप भी दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए इंजन स्टार्ट करने के लिए सेल्फ दिया गया है, यहाँ से आपका इंजन स्टार्ट होगा। इस ट्रैक्टर में सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छे फीचर मिल जाते हैं। बैटरी देखिए यहाँ पर शिफ्ट की गई है आगे, जो आपकी चोरी होने के डर से भी बचाती है। क्या होता है कि किसान भाई ट्रैक्टर को छोड़ देते हैं तो चोरी वगैरह हो जाती है बैटरी, तो ये वो भी बचाती है आपकी चोरी होने के डर से। जब तक आप इसमें चाबी नहीं लगेंगे तो आपका बोनट जो है ओपन नहीं होगा। तो ये सारे फीचर्स इस ट्रैक्टर में किसान भाइयों देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डीजल खपत के बारे में। तो डीजल खपत जो इसमें होने वाली है 45 HP का अपना ये ट्रैक्टर है, तो इसमें 3.5 या 4 लीटर के आसपास डीजल खपत होने वाली है प्रति घंटा के हिसाब से। बाकी आपके चलाने पर भी डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार से ट्रैक्टर को चलाते हैं। जैसे कि आप हार्ड मिट्टी में चलाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं ट्रैक्टर का, तो उस हिसाब से भी माइलेज देखने के लिए मिल जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे भी रहता है। तो किसान भाइयों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें हमारे सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी किसान भाइयों को बाय।